रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे यूरोपीय देशों ने अपने यहाँ पर यूक्रेन के सस्ते अनाज के बिकने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक में उठाया था, जिसकी वजह से इन देशों की यूक्रेन के साथ तनातनी और बढ़ गई थी। दरअसल युद्ध की वजह से यूक्रेन का सस्ता अनाज तमाम यूरोपीय देशों को भेजा जा रहा है और इस सस्ते अनाज की वजह से वहां के स्थानीय किसानों को अपनी खेती की लागत तक नहीं मिल रही है। आलम यह है कि अब पूरे यूरोप में इसको लेकर एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। हाल ही में बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन की संसद के बाहर किसानों ने जमकर बवाल काटा था। ये किसान यूरोपियन यूनियन की ग्रीन पॉलिसी का विरोध कर रहे थे, जिसके तहत बिजली महंगी होना और ईंधन पर किसानों के लिए सब्सिडी खत्म करने का प्रावधान है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड के किसानों ने यूक्रेन के सस्ते अनाज को लेकर आर पार की लड़ाई छेड़ दी है और इन किसानों ने यूक्रेन के लिए गोला बारूद लेकर जा रहे ट्रकों के आगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़े कर दिए हैं। इसकी वजह से यूक्रेन को पोलैंड के रास्ते मिलिट्री सहायता नहीं पहुंच पा रही है और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि यूक्रेनी एक्टिविस्ट कह रहे हैं। इससे पहले भी प्रदर्शनकारी किसानों ने रोड के साथ साथ रेल के जरिए ट्रैफिक जाम करने की धमकी दी थी। इसको लेकर यूक्रेनी वॉलंटियर नजर स्माइक, जो खुद को यूक्रेनी सेना के लिए उपकरण और वाहन खरीदने वाला बताता है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर शिकायत करते हुए लिखा कि अवरोध की वजह से सैन्य उपकरणों से लदे ट्रक बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से लाइन में खड़े हैं। इसके अलावा कई यूक्रेनी टेलीग्राम चैनलों पर इस तरह के वीडियो घूम रहे हैं, जिसमें पोलैंड के प्रदर्शनकारी यूक्रेन के विरोध में नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। यहां तक कि इन प्रदर्शनकारी किसानों ने यूक्रेनी अनाज से लदी मालगाड़ियों से अनाज को उतारकर सड़कों पर फैला दिया है। लेकिन यूक्रेन के सस्ते अनाज के अलावा भी कई ऐसी वजह हैं जिससे पोलैंड के किसानों पर आफत आ पड़ी है। इसमें सबसे पहली वजह यह है कि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के माल ढुलाई करने वाले ट्रकों पर परमिट सिस्टम से छूट दे दी थी, जिसकी वजह से पोलैंड के किसान अक्टूबर 2023 से इस फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पोलैंड के एक्टिविस्ट का मानना है कि यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से मार्केट अनुचित प्रतिस्पर्धा में गया है और कृषि उत्पादों के दामों में गिरावट आई है। हालांकि इस साल जनवरी 2024 में पोलैंड की सरकार ने कहा था कि वो यूक्रेनी ट्रकों के लिए परमिट सिस्टम फिर से लेकर आएगी और पोलैंड के किसानों को मक्का की फसल पर सब्सिडी देगी। लेकिन उससे पहले ही इस महीने की शुरुआत में यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन और मोल्दोवा से आने वाले कृषि उत्पाद और अनाज पर कस्टम ड्यूटी को साल 2025 तक के लिए हटा दिया है, जिसकी वजह से पोलैंड के किसान और भड़क गए हैं।